यहाँ इस लड़की को देख लो, ये चलाएगी घर। मैं तो उठ चुकी हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है शराब निकालना है। मेरा प्रेगनेंसी में इतना बुरा हुआ था, मेरे सामने की बात है, मैं तो भूल नहीं सकती। क्या हुआ? बड़े होके ना तूबा, तू और मैं, हमारी तीनों की लगती मुर्गी। मुझे आ गया जिंदगी में होगा। यार तू बड़ी सेल्फिश है यार, वहाँ पे तो बोल रही थी तीनों बच्चों के लिए कॉट लेंगे, अब आते तूने सबसे पहले आयन को लटा दिया। तो कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही, तेरे से दिक्कत है, बच्चों से थोड़ी दिक्कत है, मेरे से क्या दिक्कत है तेरी। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं सुबह सो उठ चुकी हूँ, अभी बजे हैं 7, क्योंकि आज निकालना है मम्मी पापा का श्राद्ध और दादी दादी का भी, तो सबके लिए मैं उठ चुकी हूँ। पहले मैं जाती हूँ नहा लेती हूँ। नहाने के बाद जो है शांति को जल्दी बुला लिया था मैंने आज, क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना था, तो शांति को मैंने लगा दिया खाने पे। मैं जा रही हूँ शावर पे। तो शाम को मैंने छोले जो है वो भिगो दिए थे, अभी फिलहाल छोलों पे लगा लेते हैं सीटी। और यहाँ पे खीर के लिए चावल जो है वो भिगो दिए हैं। खीर बनेगी, हलवा बनेगा, छोले बनेंगे, आलू गोभी बनेंगे, पूरी बनेगी। और यहाँ पे दूध जो था वो दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे चीकू भी उठ चुका है, और चीकू सुबह इसलिए जल्दी उठ गया है क्योंकि ये ना जल्दी सो जाता है। नींद जो है इसके ना परफेक्ट बनी हुई है, जल्दी सो जाता है, जल्दी उठ जाता है स्कूल की वजह से। तो चीकू भी उठ चुका है और कह रहा है मैं भाई बहन के लिए ना घर बना रहा हूँ। क्या हुआ? मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ घर। अच्छा, अपने लिए भी बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा जो है वो उठ चुका है, देख सकते हो। और यहाँ पे दो बच्चे जो है वो सो रहे हैं, इसको उठा लेती हूँ वरना ये वाले भी उठ जाएंगे। आप दोनों भाई सुबह सुबह उठी उठी क्यों कर लेती हो? आपका छोने का मन नहीं कर जाएगा, पागल बाबू होगा। नींदा हमें तो इतना पा रहा है गाइस, हमें इतनी नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इनको कोई काम नहीं होता, फिर सुबह सुबह उठ जाते हैं बच्चे। हाँ जी, तो यहाँ दोनों बच्चे उठ के आ गए, दोनों ने सुसू कर दिया था, दोनों की पैजामे चेंज कर दी है। तो यहाँ पे आज ना वो तली हुई जो फ्राई करके नहीं मिलती गोभी आलू, वो बनवा दी मैं। और यहाँ पे जो है हमेशा की तरह दूध जो है वो गिर गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है शांति कुछ आलू वालू धोने लगती होगी, और यहाँ पे दूध चढ़ाओगा खीर के लिए, तो वो निकल गया, अभी सिम पे रखती है। तो चार गैस होने का यही फायदा है, एक साथ ना चार काम हो जाते हैं गैस पे। पहले के टाइम पे क्या होता था, चूल्हा होता था सिर्फ, पहले सब्जी बनती थी, उसके बाद रोटी बनती थी, उसके बाद अगर चाय बनानी चाय बनती थी, एक एक कच्चे बनती थी, अब ना सारी चीजें एक साथ हो जाती है। तो यहाँ इस लड़की को देख लो, ये चलाएगी घर। यहाँ पे इसको उठाने के बाद भी ना देखो कंबल लेके सो गई है। अब खुद ही बता दो, मैं तो उठ चुकी हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है शराब निकालना है, पर ये जो है ये नहीं उठ रही है। अगर ये अकेले घर में शिफ्ट हो जाएगी तो ये कैसे शराब निकालेगी। हाँ जी, हाँ जी, मामा नाई निकल के आ ली है, तब तक आंटी आपको चुमा लेंगी, आंटी आपको चुमा लेंगी। जीव कम निकाला कर, मारूंगी किसी दिन क्या। तो यहाँ पे छोले रेडी है, आलू गोभी रेडी है, खीर रेडी है, और बस पूड़ियाँ रह गई हैं, पूड़ियाँ बना देते हैं फटाफट, फिर निकालते हैं शराब। और यहाँ पे शांति ना धनिया को पूरा क्लीन करके रख रही है, क्योंकि मैं ना धनिया एक साथ बहुत सारा ले आती हूँ, और फिर ये जो छेद वाला डब्बा है ना इसमें धनिया निकाल के रख देती हूँ, जिसके ना काफी टाइम तक ये जो है यूज हो जाता है। बाकी जो बचेगा उसे फॉइल पेपर में रखेंगे, और ये डेली यूज होने के लिए रखा है। यहाँ पे खीर में केसर डल चुका है, और केसर का कलर बहुत ही प्यारा आता है खीर में, टेस्ट भी आता है। और केसर तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम प्रेग्नेंट है ना, मैं और बोलूँ तो निजामुद्दीन दरगाह में हमारे एक भैया हैं, उन्होंने दो केसर के डब्बे दिए थे जो कि कश्मीर से आए थे बहुत अच्छे। और जब चीकू के पापा गए थे कश्मीर, तो वहाँ से कावा और केसर लाए थे, तो वो सब अभी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ना छोलों में थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा तरी वाला बना रहे हैं, एक सूखी सब्जी हो जाएगी, एक छोले हो जाएंगे तरी वाले। और ये आज फ्राई करके हमने बनाई है आलू गोभी, क्योंकि ना वैसे नॉर्मल बना देते हैं, आज फ्राई करके बनाया, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा। और दोनों सब्जी और बिना लहसुन प्याज के बनी है, क्योंकि शराब के लिए बननी है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह के 10:30 और मैं उठ गई हूँ, और पायल के पूरे 1.5 घंटे बाद उठी। क्यों? क्योंकि ना मैं ना सुबह उठी थी 7 बजे के करीब, जैद ना रोने लग गया था उस टाइम पे, सो नहीं रहा था। तो ये जो लड़का है ना ये 8 बजे के करीब 8-8:10 पे सोया, तो उस टाइम पे ना बहुत तेज ना मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर ना सो जाती, पायल उठी गई है तो बस अभी तैयारियां चल रही है शराब के खाने की। तो यहाँ पे ना हमारा जो तेल है ना वो भी गर्म हो गया पूरी के लिए, और यहाँ पर ना छोलों में लग रही है सीटी, तो पूरी की जो लोई है ना हो गई है रेडी। गाइस हमारी चिमनी ना बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, तो इसको ना आज या कल में किसी को याद है, थोड़े दिन पहले मैंने एक बंदा बुलाया था चिमनी साफ करने वाला, चिमनी पर वो कहते कि मैम हम ना चिमनी क्लीन नहीं करते, हम दूसरी वाली क्लीन करते हैं, ये दूसरी वाली है ना अपनी, इसके लिए हमें कैसे बंदा, इसके लिए कोई और बुलाना पड़ेगा जो इसको साफ, जहाँ से हमने ली है उनको बोलना पड़ेगा। नहीं, अर्बन क्लैब पे देखते हैं। तो मैं तो पूरी से ना बिल्कुल दूर रहूंगी। हाँ तो यार तेरे, मैं बहुत जल्दी जल जाती हूँ। यार प्रेगनेंसी में इतना बुरा हुआ था, मतलब कि मेरे यार मेरे सामने की बात है, मैं तो भूल नहीं सकती। 1.5 घंटा तड़पी थी पर शांति पाल, रात की बात है, 1.5 घंटा तो तड़पी थी, देखो क्रीम लगा ली, पेस्ट लगा दिया, मतलब बुरी हालत हो गई थी।
तो गाइज यहाँ पे यानवी नाई नाई करके एकदम लेदी बाबू बन गया, एकदम लेदी, इतना लेदी बाबू। और कल तो ये गिर गया था, कल तो इसको हाई लग गई थी, हाई टपोला भूल गया जब मेरे बीच को टपोला हाई हो गई थी, हाई टपोलू हो गया है, इसको अब साइड साइड पे लेके आना पड़ेगा। तो आज ना हम लोग ना साइड वाला लेकर आएंगे बैठे के ना साइड वाला, और ताकि बच्चे गिरे ना। तो बस मैं भी जा रही हूँ शावर लेने के लिए, और जैद वहाँ से मेरे को देख रहे हैं। हांजी हांजी जोनी काकी क्या देखी देखी कल, जीबू अंदर भाई जीबू अंदर, क्या हुआ नाखून मारा भाई ने मम्मा को, क्यों रो रहा है? चोची भूखा भूख में नाखून मार रहा है। एक मिनट पकड़ी गोलू, पायल करी गोलू से पकड़ ले, मेरी बस की नहीं है इसको पकड़ना, क्योंकि गाइस ये भूखा है ना, भूखा शेर जब भूखा होता है ना तो वो घुराता है, और ये भी कर रहा है क्योंकि ये भूखा शेर है ना, हम इस जंगल के राजा है, दोबारा मुकाबला करेंगे। तो ये क्या गिदड़ है? दोबारा करेंगे मुकाबला। ये क्या गिदड़ है? ये शेर है, टाइगर लायन है, मेरा लायन। ये क्या कर रही है? टेस्ट कर रही हूँ की ते गरम ना हो। गरम भी ना हो और कैसा है टेस्ट में ना? पावे सैलेक थोड़ा टेस्टी होता है ना, यम्मी 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 गुड गुड। पायल ऐसा लग रहा है, वो नहीं होता एप्रन नहीं होता है, खाना बनाते पहनते वो लग रहा है, बिप कम लग रहा है। यहाँ पे हमारी कंजक दीदी भी आ गई है, नवरात्रे आ रहे हैं, आपको कंजक मिलेगी, आपकी फर्स्ट कंजक है। जय माता दी लेदी लेदी बाबू है। तो गाइस मेरा शावर हो गया एकदम डन, और बस अभी पहले पूजा करती हूँ, और हलवा भी रेडी हो चुका है, फिर निकालते हैं श्राद्ध के लिए खाना। गाइज हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इतनी, तो इतनी मुझे इतना पता है कि पांच जगह बनता है, एक मम्मी पापा दादा दादी और भगवान जी का, जिसमें से जो है ये मैंने गोलू को बताया ऐसे करना, भगवान जी का यहाँ पे रखना है, और दादा दादी के लेके ऊपर छत पे लेके जाएंगे पक्षी, और पक्षी को देना है, गाय को देना है, कुत्ते को देना है, और ऐसे इतना जितना पता है उतना कर रहे हैं, बाकी कपड़े ले आएंगे और कपड़े किसी को दे देंगे। मैंने गोलू को बोल दिया है कि भगवान जी से मांग लियो कि भूल चुक हो जाए तो हमें माफ कर देना, हम पहली बार निकाल रहे हैं, और भाभी ने जैसे जैसे बताया हमने वैसा वैसा कर दिया है, खीर पूड़ी हलवा दो सब्जी ये सब बनाया है। मम्मी मैंने ना एक मतलब कि एक तो भगवान जी को भोग लगा दिया, तो अब एक डॉगी के लिए निकालूं? डॉगी के लिए निकालते हैं, और डॉगी खाता है ऊपर छत के ऊपर जाके, कौवा कौवे के लिए रखती है। ठीक है, डॉगी कौवा और मम्मी अच्छा एक मंदिर में देना है पंडित जी को, ठीक है बस ना। गाय मम्मी अच्छा आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी, अमावस्या आज बहुत बड़ा दिन है, ठीक है मम्मी मैं कर देती हूँ, ठीक है मम्मी। ये मम्मी पापा दादा दादी का सबका ऊपर रखा, मैं गाय का कुत्ते का और पक्षी का ये अलग से निकाल देती हूँ, तो ये रखा गाय डॉगी और कौवे का अलग से निकाल दी, और मम्मी ये बात बोलेगी आज अमावस्या बहुत बड़ा दिन है किसी की हेल्प भी कर सकते, तो ये रखा पहले ऊपर। तो बस एक बार ना भोग मंदिर में लग गया है, एक बार गाय को और कुत्ते को भिजवा देते हैं और ऊपर पक्षी को रख देते हैं, उसके बाद ना बहुत तेज गाइस भूख लग रही है, बहुत तेज, क्योंकि सुबह से उठी हुई है ना, और सुबह से पानी भी नहीं पिया है ना चाय पी है, तो भूख लग रही है बहुत तेज, एक बार ये गाय का और डॉगी का पहुंच जाए उसके बाद खाते हैं खाना। तो यहाँ पे ना मेरे दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं और जैद भी बस सोने वाले, तो हमारी मीना ऐसे सात बार करती है और फिर लग जाता है भूख। तो गाइस पायल ना मुझसे पूछ रही थी कि गोलू ऐसे ही रखते, तो मैंने बोला हाँ पायल ऐसे ही रखते, क्योंकि ना मैं जब छोटी थी ना चाची मम्मी दादी छत पे रखते थे, तो जब पक्षी के लिए छत पे रखते थे ना पायल, तो ऐसे ही रखते, और हम डॉगी और गाय को भी देंगे ना तब भी ऐसे ही रखेंगे नीचे, जहाँ पे वो मिले वहाँ खा लेते हैं फिर वो। तो गाइस हमारे यहाँ पे ना बैंगन आया है पहली बार, और कितना प्यारा हरा भरा, हार्वेस्टिंग अभी नहीं करेंगे जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे। तो आज ना मैंने नहा के ना सॉक्स पहन लिए, तो मेरे पैर बहुत गंदे हो जाते हैं हमेशा, तो ये गाय का और डॉगी का भाई इसको अभी के अभी खिला के आओ, ये खाएंगे ना उसके बाद हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे ना तीनों बच्चे सो गए हैं। तो गाइस यहाँ पर आ गया मेरा दोपहर का जूस, और ना मैंने ना सुबह चाय नहीं पी थी, सोचा था चाय पीऊंगी, पर जैसे एक सिप लिया ना मेरा मन ही नहीं किया चाय पीने का, तो अभी क्या है ऑटोमेटिकली ना चाय थोड़ी सी कम हो गई है, जूस हेल्दी होता है, स्टे हेल्दी स्टे फिट। तो गाइस पूरे ना 6 महीने हो गए, 6 महीने से ना मैंने ब्लीच फेशियल कुछ नहीं करा, इतने ज्यादा हेयर्स हो रहे, टाइम ही नहीं मिल पाता, सोचो अब ना एक दो दिन में ना टाइम निकालू, क्योंकि करवा चौथ भी आ रहे, फेस्टिवल भी आ रहे, ब्लीच फेशियल कराऊं। तो गाइस गुड़गांव से ना भैया भाभी आए थे और बहुत ही प्यारी तुबा के लिए फ्रॉक लेके आए हैं, और
अयान और जैद के लिए एज यूजुअल जैसे हम लोग लेते हैं एक जैसे कपड़े दोनों के लिए, ऐसे इसके लिए दोनों बच्चों के लिए आए हैं एक जैसे कपड़े। पर हम भी तो सेम पहनते हैं ना, तो ये भी सेम पहनते हैं, माए सेम पहनती है तो बच्चे भी सेम पहनेंगे। तो एक काम करा करेंगे पाल, तू बड़े होके ना तू बा तू और मैं हमारे तीनों की अलग टीम होगी, चीकू के पापा, चीकू और दो बच्चों, चार लोगों की अलग टीम, तीन की अलग टीम। पर पता है क्या, वो बहुत डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, एक मुश्किल होगा थोड़ा, बनवा सकते हैं। तो गाइस मैं भी हो गई हूँ रेडी मार्केट के लिए और आज मैंने पहना है नया टॉप, ये मैं दिल्ली से लेकर आई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी दिनों बाद मैंने ये थोड़ा शॉर्ट टॉप पहना है और साथ में न्यू जीन्स पहनी है। कमेंट करके बताना पतली लग रही हूँ कि नहीं लग रही। तो गाइस ये है पायल के लुक, ये वाला जो टॉप है ना मैंने पसंद करा था, मुझे अच्छा लगा था बारबी वाला टॉप, ये भी हम लोगों ने दिल्ली से लिया था जब हम गए थे शॉपिंग करने। और पजामा हमने लिया था सेक्टर 22 की मार्केट से। अच्छा तो फिलहाल मैं, गोलू, लक्ष, चीकू हम सब निकल चुके हैं क्योंकि हमें देखो नवरात्रे कल से नवरात्रे हैं तो नवरात्रों का सामान लेना है, साथ ही साथ बहुत सारा काम है हमें जो आज निपटाना है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वन एंड ओनली वीआईपी मार्केट, तो ले लेते हैं पहले हम लोग नवरात्रि का सामान, उसके बाद जो है बाकी का काम करें। पायल देख कलरफुल बत्ती है इस बार, लगता है पहले, हाँ इस बार ही देखिए, मैंने भी ले लेते हैं। तो गाइस सारा का सारा जो नवरात्रों का सामान है ना हम लोगों ने ले लिया है, बस ना एक माता जी की छोटी सी माला रह गई है, जहाँ से हमने सामान लिया ना वहाँ पे माला छोटी नहीं थी, सारी बड़ी बड़ी थी, तो सामने ना एक शॉप है वहाँ से लेते हैं माला। तो गाइस यहाँ पर ना हमने येलो कलर का कपड़ा भी लिया है, ये हम मूर्तियों के नीचे बिछाएंगे अपने मंदिर के अंदर। तो गाइस फाइनली हमने माता रानी का सारा सामान ले लिया, अब हम जा रहे हैं कंजक का सामान लेने क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, बाद में सिर्फ टाइम मिले ना मिले क्योंकि हमें ना इस बार हमने बहुत कुछ सोचा, ये भी हो जाता है अच्छा स्टॉक निकल जाता है। हाँ और हमने नवरात्रि पे इस बार बहुत कुछ सोचा हुआ है। मैंने ना इस बार ये वाली दो जोत ली है, मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है, मंदिर की जो पहले वाली जोत से वो हटा दूंगी और ये वाली रखूंगी। तो फिलहाल हमने नवरात्रों का सारा सामान ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं सीधा घर क्योंकि चिकू के पापा घर आ चुके हैं और हमारे लिए लेके आए सबके लिए मैक पफ, तो वो खाना चाहते हैं। बोलो मैं ये सोच रही हूँ कि हम ये ले तो लें लेकिन ना चलो गद्दा भी लग जाएगा इसमें, और बच्चे जब बैठने लगेंगे तो कभी यहाँ सर मारेंगे कभी, और ये लकड़ी का सर फूटेगी, फिर सर फूटेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ वो जो हमने दो देखे ना बाकी उनमें से एक रेड वाला और दूसरे वाला। तो हम लोगों ने ना बच्चों के लिए ना पजामी भी ली है क्योंकि क्या अभी सर्दी आ रही है ना तो बच्चों को सॉक्स पहननी पड़ती है, तो ऐसी वाली पजामी ली है जो नीचे से ना कवर है, ऊपर जाके दिखाती हूँ, बड़ी प्यारी पजामी है। तो गाइस बच्चों के लिए ना ये वाली पजामी लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छी है ये, इसके साथ सॉक्स है ना तो कम्फर्टेबल रहेगी क्योंकि अब सर्दी है, तो ये तीन थोड़ी बड़ी लेके आई हूँ जैद और अयान के लिए, और ये तूबा या किसी को भी अगर अयान को आगे तो वो पहन लेंगे, तो टोटल छह पजामी। और मैंने बच्चों के लिए एक ये मंगवाया था वीनिंग स्पून सेट, ताकि बच्चे इसे ना खुद खा सकते हैं क्योंकि ये लगेगा नहीं, ये सिलिकॉन का है ना, बच्चे अपना पकड़ के खुद भी खा सकते हैं, तो ये आगे भी हमारे काम आएगा। तो गाइस हमने एक पोर्टेबल बेड लिया है क्योंकि बच्चे जैसे कि आपको पता है कल अयान गिर गया था यहाँ से नीचे, तो ऐसे हमें कोई काम हो तो हम बच्चों को ना इसमें आराम से बिठा के ना सारे काम कर सकते हैं, तो ये आज हम लेके आए एक, अगर ये कंफर्टेबल रहना तो एक और ले आएंगे, तो दो बच्चे एक में आ जाएंगे, एक बच्चा एक में आ जाएगा, जिससे कि ना हमें सारा डर खत्म हो जाएगा कि बच्चे गिर जाएंगे बेड से, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे या कुछ, तो इसमें बच्चे इजिली खेल भी लेंगे और सो भी जाएंगे। अरे मेरा जिंदरा बाबू, मजा आ गया, मजा आ गया जिंदरा बाबू को। यार तू बड़ी सेल्फिश है यार, क्या हुआ वहाँ पे, तो बोल रही थी तीनों बच्चों के लिए कॉट लेंगे, अब आते तूने सबसे पहले अयान को लिटा दिया, वो दोनों सो रहे हैं ना भी, तू वेट कर लेती ना मैं तीनों को लिटाती साथ में, तो तीनों लेट जाएंगे, क्या हो गया ये जगह हुआ था मैंने लिटा दिया इसे, तो तीनों साथ में लेट जाते ना, तू और जैद भी तो रह गए भाई। हाँ तो तू और जैद जब उठेंगे यहाँ सुला देंगे उनको, अभी ये जगह आता है इसको खेल लेते थोड़ी देर, आया तो तीनों के लिए ना, तू बाद में लिटा देती ना, तीनों को साथ में रिएक्शन देखती मैं, पहले तूने इसको लिटा तो क्या हो गया, उनका भी लोड कर लियो, इसका कॉल दे कि कैसे शांति से बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तेरे से दिक्कत है बच्चों, थोड़ी दिक्कत है मेरे से, क्या दिक्कत है तेरी, यही दिक्कत है तेरी, दिमाग मारता हूँ कौन मारूं तेरे को, मैं जितना छेड़ती हूँ ना उतने छेड़ती है, मैं कहीं ना छेड़ी, अच्छा मैंने तेरे को छेड़ा तो फुल छिड़ी, देखो पता था और क्या सुने, तो यहाँ पे हमने अयान को हटा दिया है, ये मैडम को बड़ी परेशानी हो रही थी, हटा दिया, देख ले अब ठीक है, ये दोनों सो रहे हैं, इसको देख ले, इसका पूरा ध्यान मेरी तरफ है। हाँ जी अच्छा लगा कोट, अच्छा लगा आपको, गेजा लगा भाई आपको, गेजा लगा, खुश अब, पहले भी खुश थी मैं, देखो चेक कर रही थी मैं, तू रहने दे बस, तू रहने दे बस। यहाँ पे ना अयान ने ना तूबा का टॉय छीन लिया, बड़े आराम से खेल रही थी और वो सही है मस्त मोला अलग से, अब तूबा खींच रही है कि मेरा टॉय दे दे भाई, भाई मेरा टॉय दे दे, पिंक वाला, उसको देखो वो आराम से अपना टॉय लेके आराम से राजा की तरह इतने बड़े बेड पे सो रहा है, और ये देख लो ये दो इतने बेड पे सो रहे हैं। चीकू सेवन की स्पेलिंग बताओ, अभी तो बताया था एन, हाँ वेरी गुड, एट की सुनाओ, ई आई ई आई जी एच टी,
तो गाइस फिलहाल मैं, गोलू, चीकू, चीकू के पापा, सूरज भैया, धीरज भैया, हम जा रहे हैं मूवी देखने और आके बताते हैं हमने कौन सी मूवी देखी और कैसा रिव्यू। तो यहाँ पे देख लो अयान को, अयान अकेला स्क्वाड के पूरे मजे ले रहा है। वैसे तो तूबा भी है पर तूबा जो है इसमें रो रही थी, तो अयान पूरे मजे ले रहा है। जब ये आया था ना तब से यही जो है ज्यादा स्क्वाड में खेल रहा है। तो गाइस यहाँ पे चीकू जो है अपने कपड़े चेंज कर रहा है क्योंकि ये जो पूरा सेशन है ना सेक्शन है ये भी नया पड़े पर। हाँ सारे नए पड़े हैं। चल चीकू आप फटाफट चलो। यहाँ पे ना चीकू के पापा अपनी ग्रीन टी साथ में लेके जा रहे हैं क्योंकि मूवी का टाइम हो चुका है। चले भाई चलो। तो गाइस मौसम हो गया बहुत ही ज्यादा ठंडा, बहुत ही प्यारा, मतलब कि ना आज कल ना एहसास हो रहा है कि हाँ सर्दी आने वाली है। और यहाँ पर ना सर्दी वैसे भी ज्यादा ही लगती है क्योंकि इधर उधर खेत है ना, तो ठंड हमेशा ज्यादा लगती है। तो ये पायल हो गई है रेडी, पायल ने पहना है नया वाला वन पीस। तो पायल के लिए कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है वन पीस। वैसे गाइस ये वन पीस ना मैंने अपने लिए लिया था कि मैं पहनूंगी, बट ये मुझे आता नहीं। मैं देखकर मुझे ऐसा लग रहा था इतना खुला है ये आ जाएगा, बट ये आ तो जाता बट ये फंसता। पायल मेरा स्वीट कॉर्न का बिल करवा दे। तो हम लोगों ने ना अभी सैंडविच ले लिया, स्वीट कॉर्न ले लिया, नाचोस ले लिए, पॉपकॉर्न नहीं, नाचोस नहीं लिए, नाचोस है नहीं, पॉपकॉर्न लिए। यहाँ पे ना ये ट्राई कर रहा है क्योंकि आज तक ना कभी भी ये ना ये वाले हम लेते नहीं है, हमें पता है बेटा। सुनो सुनो आपको पसंद नहीं आएंगे, आपको पसंद नहीं आएंगे बेटा, हम खाते ही नहीं है ना इसलिए। तो पता है क्या, हम लोग ना स्टार्टिंग से ना सॉल्टेड वाला और नॉर्मल वाला पॉपकॉर्न खाते हैं ना, तो हमें कैरमल चीज वाले पॉपकॉर्न ना टेस्टी नहीं लगते। बाकी देखो बहुत सारे लोगों को पसंद है बट हमें पसंद नहीं। हाँ जी कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और सबसे अच्छा काम किया अक्षय कुमार ने, जितने भी पुराने एक्टर थे ना कलाकार थे सबको काम दिया। इस मूवी का नाम था मिशन रानीगंज और बहुत ही अच्छी मूवी थी, मतलब कि ये चीज रियल में हुई है और बहुत ही ना करेज वाली मूवी थी और अक्षय कुमार की एक्टिंग नंबर वन। मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है ऐसा, कोई भी मूवी देख ले आ जाओ मैं रोती जरूर हूँ, इसमें भी मैं रो पड़ी। पता वो जो बच्ची वाला, छोटी बच्ची होती है इसमें ना, और उसका जब पापा उससे काफी टाइम बाद मिलता है ना और वो ऐसे गले लगा के रोता है, तो मुझे इनकी और तूबा की थोड़ी सी इमेज आ। तो गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात मूवी की ये थी ना कि अक्षय कुमार जी ने ना पूरी मूवी के अंदर 2 से 3 ड्रेस बदली है। एक गाना था मूवी के अंदर जो कि बहुत ही अच्छा था, बाकी जितने भी एक्टर लिए हुए थे जो पुरानी फिल्मों में काम करते थे ना उन सब की भी एक एक ड्रेस अप था ना, मतलब कि शॉर्ट मूवी बन गई एक तरह से। देखो ये रियल घटना पे आधारित थी मूवी और बहुत अच्छा मैसेज था चीजों को लेके, काम करने को लेके। वो अपना बेस्ट दे रहा था, लास्ट में खुद निकला उसमें से। मूवी आपने देख ही ली होगी लोगों ने, पर मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मूवी। कपड़े जूते नहीं देखे जाते, मैसेज क्या दे रहे हो वो देखा जाता है और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो गाइस हम लोग आ चुके थे मूवी देखने के लिए, मूवी देख के आ चुके हैं, मूवी बहुत अच्छी थी। क्योंकि मैं उल्टा बोलते हैं, उल्टा बोल रही थी, मुझे हंसी आ गई। आज सुबह से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा, पता नहीं क्यों मेरी स्लिप ऑफ टंग हो रही है। मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, बोल कुछ और। नहीं वो खाया हुआ है क्या? क्या चटपटा? क्या चटपटा खाया? चटपटा चटपटा टंग क्या चटबोला? हम पकड़ दे जीभ चटपटाई, तो गाइस बस अब जा रहे हम लोग सोने। इस ब्लॉग को यही एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। भैया यहाँ पे बैठे बैठे हंस रहे हैं हमारी बात सुन के, मुझे अभी तक जीभ चटपटाई, जीभ चटपटाई, लप लपाई, कौन था? एलपल्ली बे, हाँ एलपल्ली बे, दिल घबराए रहा न जाए, एलपल्ली में। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।